हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी बेडरूम डिज़ाइन की वो किस तरह से की। सो हम पहले एग्जिस्टिंग देखेंगे। स्क्रीन पर इमेज देख सकते हो, जो पहले जो डोर था, एग्जिस्टिंग डोर था बेडरूम का, वो यहाँ पर था, और वॉशरूम का डोर था वो यहाँ पर था। सो हमने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, वॉशरूम का डोर कुछ यहाँ पर शिफ्ट किया हमने, और यहाँ पर हमने बिल्ड कर दिया वापस से। इससे क्या हो रहा है, इससे ये एक वॉल है जो हमें फोकल करने मिल रही है, मतलब एज फॉर द डिज़ाइन। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन स्पेस है वो भी कुछ हद तक बढ़ चुका है। सो अब हम बाकी का फर्नीचर देखेंगे इस रूम का। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे आते हैं, सो यहाँ पर विंडो सीटिंग है, और इसके बाजू में ही हमने बेड दिया हुआ है। ये बेड के बाजू में साइड टेबल हमने नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस हो रहा था, और यहाँ पर रोम अराउंड प्रॉपरली हो नहीं रहा था एज सच। सो दैट्स वाई वी हैव नॉट गिवन ओवर हियर। और इस वॉल पर हम पैनलिंग करने वाले हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये आपको आउटलाइंस दिख रहे होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर पैनल वुडन पैनलिंग होने वाले हैं, जो कि राफ्टर्स लगने वाले, और जो कि वर्टिकल होगा। और ये वर्टिकल देने का कारण यही था कि आपका रूम है वो थोड़ा एनहांस दिखेगा, आपको दूर से पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये बहुत ही ह्यूज वॉल है। और ये पैनलिंग होने के बाद उसी तरह हमने इस हेडबोर्ड पर भी वर्टिकल पैनल्स दिए हुए। इसका भी सेम लॉजिक है, बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल विजुअल्स ये रूम हमें थोड़ा एनहांस होगा, विजुअल पर्सपेक्टिव हमें कुछ ऊंचा दिखाई देगा। और इसी के साथ दिस इज़ द मिरर। सो बेसिकली ये जो मिरर है वो कुछ इस तरह यहाँ पर आने वाला है, इस तरह। सो ये अभी होना बाकी है। और ये बेड एक्चुअली ये बेड है 6x6 का है, और इस मिरर के नीचे साइड टेबल आने वाला, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम देखेंगे ये वार्डरोब। सो यहाँ पर हमने तीन नीश क्रिएट किए हैं, जो कि बेसिकली आर्टिफैक्ट को एनहांस करने के लिए हमने यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमेशा यहाँ पर कुछ भी आर्टिफैक्ट्स रखते हैं, तो जो स्पेस होता है वो बेसिकली 2 feet यूज़ या फिर वेस्ट में आप कंसिडर कर सकते हो। सो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 10 inches देने के बाद हमने यहाँ पर उसे एक ब्लॉक कर दिया, मतलब वहाँ पर हमने प्लाई लगा कर हमने उसको फिनिश कर दिया लैमिनेट से। सो यहाँ पर हम, और वही चीज़ जो पीछे हमने यूज़ की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो पीछे जो 1.5 feet जो पीछे बच रही थी वो हमने यहाँ पर यूटिलाइज हो ली, वो भले स्पेस कम है लेकिन यस वो यूज़ हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी बेसिक वार्डरोब एज यू कैन सी। यहाँ पर 2 drawers है, यहाँ पर नीचे हैंगर स्पेस है, और यहाँ पर नीचे drawers है, और यहाँ पर स्टोरेज है। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये जो बीम है उसके बीम के पीछे भी स्टोरेज है, मतलब ये जो पीछे का स्पेस है वो यूटिलाइज हमने यहाँ पर किया, जो कि मैं आपको बताता हूँ हमने किस तरह से यूटिलाइज किया है। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह खुलता है, ये अंदर की तरफ। सो यू कैन यूज़ एटलीस्ट 15 inches इनसाइड दी वार्डरोब ऑल्सो, मीन्स आउटसाइड। एंड यहाँ पर एक्चुअली विंडो एयर कंडीशनर का जो नीश था वो हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया हुआ है, जो कि हमने वो चारों तरफ से उसको पैक कर दिया है और उसको हमने यूज़ किया। सो यहाँ पर अब आपने देख लिया कि हमने एक विंडो एयर कंडीशनर, मतलब जो नीश था उसे भी हमने कैसे यूटिलाइज़ किया। हमने ट्राई किया कि यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ भी कितना, मतलब स्पेस यूज़ कर सके। और यहाँ पर भी एज इट इज़ 2 drawers हैंडलेस drawers। और यहाँ पर भी एक अलग स्टोरेज है, दिस 2 are different स्टोरेज। सो दिस एक्चुअली वी हैव मेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर भी स्टोरेज आपने देख लिया, और यहाँ पर स्टडी टेबल है। सो दिस स्टडी टेबल इज़ ऑलमोस्ट 3 feet by 16 inches। सो बेसिकली क्लाइंट वॉन्ट्स ओनली टू यूज़ लैपटॉप्स ओवर हियर, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने स्पेस जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट ही रखा हुआ है, क्योंकि सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। वैसे सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, 3 feet 6 feet यहाँ पर स्पेस है। सो यहाँ पर स्पॉटलाइट्स आने वाले हैं, जो कि स्टडी टेबल को हाईलाइट करेगी। एंड एंड पार्ट ऑफ द रूम एंड द फोकल पार्ट ऑफ दिस रूम। सो यहाँ पर बेसिकली फोकल वॉल क्रिएट होने वाली है, जिसमें फ्रेम्स होंगे एंड हैंड पेंटेड वहाँ पर डिज़ाइन होने वाला है, जो कि आप आने वाले वीडियोज़ में देख सकते हो।
सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये बेडरूम रूम टूर कैसे लगा। हमने जितना हो सके उतना हमने ये स्पेस यूटिलाइज़ किया है। आप कलर्स प्ले देख सकते हो कि हमने किस तरह से प्ले किया हुआ है कलर्स, वो भी लैमिनेट के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका टूवर्ड्स इंटीरियर रिस्पेक्ट और नॉलेज बढ़े। तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।